हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी वे। इजी वे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2021 का टाइम एंड वर्क, यानी कि समय और कार्य। ठीक है, यानी कि एसएससी एमटीएस में इस चैप्टर से आपको हर शिफ्ट में, यानी कि हर शिफ्ट में आपको दो क्वेश्चन, कम से कम दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यानी कि मैथ में 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन में से 2 से 3 क्वेश्चन, ये दो फिक्स है, किसी किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग अच्छे से कंप्लीट करते हैं। परसेंटेज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसमें कुछ और टॉपिक है, कुछ और क्वेश्चन है जो मुझे कराना है। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है कि ए तथा सी किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है। ए और सी किसी काम को कितने दिन में पूरा करता है? 15 दिन में। चलिए लिख लेते हैं, ए और सी दोनों मिलकर के किसी काम को कितने दिन में करता है? 15 दिन में। ठीक है, बी तथा सी उस कार को और उसी काम को बी और सी दोनों मिलकर के कितने दिन में करता है? 20 दिन में। कोई एक काम है, जैसे कि ये एक जमीन है, ठीक है, इतना ये एरिया का जमीन है, इसको खोदना, ठीक है, इसको खोदना या इस पर कुछ काम करना है, इसके ऊपर क्या करना, बाउंड्री लगाना। तो ए और सी इसके ऊपर, इसी एरिया के ऊपर, इस प्लॉट के ऊपर बाउंड्री लगाता है कितने दिन में? 15 दिन में। बी और सी दोनों मिलके इसी एरिया पे, सेम एरिया पे, सेम काम के बाउंड्री लगाता है 20 दिन में। और क्या करता है, ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक है, अब पूछ रहा है कि तो ए अकेले इस काम को, इसको कितना दिन में पूरा करेगा? ठीक है, तो देखिए, ए और सी मिलकर के कितने दिन में किया? 15 दिन में। बी और सी मिलकर कितने दिन में किया? 20 दिन में। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो यहाँ पे देखिए, ए एंड सी 15 दिन, बी एंड सी 20 दिन। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, जो हम ऐड करेंगे दोनों के, तो 1/15 प्लस 1/20। अब 15 और 20 का आप एलसीएम ले लीजिए, 20, 15 और 20 का, तो क्या आ जाएगा? 5, 3, 4, 4 × 12, 12×5=60। ठीक है, 60 यहाँ हो गया, 15 × 60 और प्लस 20 × 7 = 3, कितना हो गया? 7/60, कितना हो गया? 7/60, यानी कि ये आपका क्या हो गया? 67/60, ये जो हमारा हुआ 2A प्लस, यहाँ से क्या हो गया? A, B और C। तो आपको क्या करना है कि A, B और C, A, B, A, C मिलकर के कितने काम कर रहा है? 15 दिन में। B और C मिलकर के कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। तो A अकेला उसमें कितने दिन में काम करेगा? तो देखिए, C यहाँ पे भी है, C यहाँ पे भी है, दोनों जगह C क्या है हमारा? कॉमन है। तो ये हमारा क्या हो गया? 7/60, 7/60। इसको अगर जो आप डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7, अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 7/120, है ना, 7/120। ए का आपसे पूछ रहा है, तो ए से क्या हो जाएगा? 1/20 माइनस 1/15, यानी कि क्या हो जाएगा? 4 एलसीएम 60 माइनस 3 1/60। तो ए का काम निकालने के लिए क्या हो जाएगा आपको, इसको रेसिप्रोकल के 1/A = आ गया 1/60, तो A = क्या हो जाएगा? 60, यानी कि 60 आपका सही आंसर है। ए कितने दिन में काम करेगा? 60 दिन में। तो बस करना क्या है आपको, बेसिकली दोनों को माइनस कर देना है। क्या करना, एक बार फिर से देखें, ए एंड सी कितना दिन में करता था? 15 दिन में। बी एंड सी कितना दिन में करता था? 20 दिन में। दोनों को माइनस, एक दिन में ये कितना करेगा, तो 1/15, ये कितना करेगा? 1/20, माइनस कर देंगे, 1/15 माइनस 1/20 60, 4 − 3 1/60, तो ए का यहाँ से निकल जाएगा क्या? 60, 60 दिन में। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि पी क्यू तथा आर मिलकर किसी काम को 20 दिन में करता है। यानी कि यहाँ पे 3 व्यक्ति है, एक पी है, एक क्यू है, एक आर है,
ये तीनों मिल करके किसी काम को कितने दिन में करता है, तो ये किसी काम को करता है 20 दिन में। ठीक है, P Q तथा R मिलकर किसी काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। ठीक है, P अकेले किसी काम को कितना दिन में करता है, 40 दिन में करता है। ठीक है, P अकेले P Q R मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, P अकेले 40 दिन में पूरा कर सकता है, क्यू अकेले कितने दिन में कर सकता है, 60 दिन में। ठीक है, क्यू अकेले 60 दिन में कार्य पूरा कर सकता है। तो आपसे पूछ रहा है कि आर कितने दिन में करेगा, आर आपसे कितने दिन में काम करेगा। तो देखिए, पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू कितना है, 20 दिन में। अब पी हमारा हो गया 40 दिन में, क्यू हो गया हमारा 60 दिन में, तो क्या हो जाएगा, आपको आर का निकालना है। तो आर क्या हो जाएगा, 1/20 माइनस 1/40 प्लस 1/60। ये दोनों का काम को हम जोड़ के और जो तीनों मिलके जो काम करता है उसमें घटा देंगे तो तीसरा का काम निकल जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे किसका, 20 40 60, 20 40 60 का एलसीएम ले लेंगे। 2 से 10 20 30, फिर 2 से लिए 5 10 15, फिर 5 लिए 1 2 3, 1 2 3, 4 8 8 40 40 120, 12। ठीक है, 6 6 5 30 60, हाँ अब यहाँ क्या हो गया, 120, 6 माइनस ये हो जाएगा 40 से डिवाइड करिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 6 माइनस 5/120 क्या हो गया, 1/120। तो आर कितने दिन में काम करेगा, 1/r इक्वल टू आया 120, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120 दिन में। आर कितने दिन में अकेला काम करेगा, 120 दिन में। यानी कि पी क्यू आर किसी काम को तीनों मिलकर के 20 दिन में करता है, पी अकेले उसी काम को 40 दिन में करता है, क्यू अकेले उसी काम को 60 दिन में करता है, और आर अकेले उसी काम को कितना दिन में कर सकता है, 120 दिन में। ठीक है, तो मैं ये आशा करता हूँ कि जो SSC MTS का जो वर्क समय और कार्य यानी कि टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन किए हम लोग, दो क्वेश्चन किए, वो आप लोग सीखे होंगे, आपको हेल्प मिली होगी। ठीक है, इसी तरह से रोजाना आपको क्लासेस मिलते रहेंगे, रोजाना हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, सीखते रहेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं, रीजनिंग मैथ इंग्लिश सारा कुछ। ठीक है, हमारे चैनल के साथ बने रहिए, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।